Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद यानी IIMA अपने मौजूदा लोगों में बदलाव करने जा रहा है और ये खबर बाहर आते ही जबरदस्त बवाल मच गया है। संस्थान के प्रोफेसर ही इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। प्रोफेसर्स ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पत्र लिखकर लोगों बदलने के फैसले पर विरोध जताया है। इनका कहना है कि इस फैसले से भविष्य में संस्थान की छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। IIMA के प्रोफेसर्स का कहना है कि संस्थान के नए लोगों से अहमदाबाद की सिदी सैयद मस्जिद की जाली की तस्वीर और संस्कृत के श्लोक विद्या विनियोगा द्विकासह को हटाया जा रहा है। ये दोनों संस्थान की संस्कृति के प्रतीक हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रोफेसर्स ने IIMA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन कुमार मंगलम बिल्डा को लिखे पत्र में कहा है, लोगों में मौजूद सिदी सैयद मस्जिद की जाली और संस्कृत सूत्र वाक्य हमारी पहचान है। ये भारतीय लोकाचार को दर्शाते हैं, ये भारतीयता की पहचान है, ये हमारी विद्या और संस्थान से जुड़ाव को दर्शाते हैं। इसमें बदलाव करना हमारी पहचान पर प्रहार करने के समान है। लोगों में बदलाव करने से भविष्य में IIMA के ब्रांड पर भी असर पड़ेगा। इस पत्र में आगे लिखा है कि IIMA की फैकल्टी को ये कभी नहीं बताया गया कि लोगों को फिर से डिजाइन करने की जरूरत है, ना ही लोगों में बदलाव करने को लेकर कोई समिति बनाई गई थी। इस बारे में फैकल्टी से कोई राय भी नहीं मांगी गई। एकेडमिक काउंसिल या फैकल्टी से जुड़ी किसी अन्य कमेटी में भी इसे लेकर कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। पत्र में फैकल्टी की तरफ से यह भी कहा गया है कि उन्हें लोगों में बदलाव के बारे में 4 मार्च को एकेडमिक काउंसिल की एक बैठक में पहली बार बताया गया और इसी दौरान ये भी जानकारी दी गई कि नए लोगों को लेकर 2 लोगों का प्रस्ताव दिया गया था। इनमें से एक घरेलू और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा। IIMA अहमदाबाद के पूर्व निदेशक बकुल ढोलकिया ने भी लोगों बदलने के फैसले का खुलकर विरोध किया है। इंडिया टुडे के मुताबिक उन्होंने कहा, सबसे पहले तो ये लोगों को चेंज करने की बात कहाँ से उत्पन्न हुई, यही मेरी समझ से बाहर है। ये लोगों 1961 में जब विक्रम साराभाई ने IIMA अहमदाबाद की स्थापना की, उस वक्त उन्होंने ही इस लोगों को चुना था और तब से पिछले 60 साल से ये लोगों IIMA अहमदाबाद की पहचान रहा है और इस पहचान में कभी किसी को कोई दिक्कत आई नहीं है। और IIMA का ग्लोबल रैंकिंग, IIMA का ग्लोबल रिकग्निशन, ये सभी इस लोगों के साथ हुआ है। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में IIMA की पहचान बन गया है ये लोगों। नॉनसेंसिकल आइडिया है ये कहाँ से आया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि IIMA अहमदाबाद फैकल्टी गवर्न्ड इंस्टीट्यूट रहा है, तो कोई भी प्रपोजल बोर्ड में जाए तो वो पहले फैकल्टी काउंसिल उसको अप्रूव करती है और फिर उसको बोर्ड डिस्कस करके डिसाइड करता है। मैं जब IIMA का डायरेक्टर था 2002 से 2007 में, बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स लिए थे हमने। इनफैक्ट IIMA की वेबसाइट को कम्प्लीटली रिवैम्प किया था। ये सारे डिसीजंस फैकल्टी काउंसिल में प्रपोजल ले गए, फैकल्टी काउंसिल ने जो जो चीज़ें अप्रूव की वो सारी चीज़ें फिर बोर्ड में ले गया और बोर्ड ने अप्रूव की और उसके बाद ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो ये मैटर जो जिस तरह का प्रोटेस्ट 50 से ज़्यादा फैकल्टी मेम्बर्स ने किया है, उसका अर्थ तो यही निकलता है कि फैकल्टी मेम्बर्स को अंधेरे में रखा गया, उनको पता ही नहीं है कि ये इस तरह का लोगो चेंज करने की बात हुई है और बोर्ड ने डायरेक्टली अप्रूव कर दिया। मुझे बोर्ड के रोल पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि भाई बोर्ड ने सवाल क्यों नहीं पूछा। मान लो डायरेक्टर ने प्रपोजल बोर्ड में ले गए तो बोर्ड को सवाल तो पूछना चाहिए ना कि भाई फैकल्टी की क्या राय है। IIMA के पूर्व निदेशक बकुल ढोलकिया ने ये जानकारी भी दी कि संस्थान के करीब 45 फैकल्टी मेंबर्स ने कुमार मंगलम बिरला को भेजे पत्र पर दस्तखत किए हैं। IIMA अहमदाबाद का वर्तमान लोगो साल 1961 में संस्थान की स्थापना के समय अपनाया गया था। इसमें ट्री ऑफ लाइफ का मूल भाव है जो अहमदाबाद में सिदी सैयद मस्जिद की एक उत्कृष्ट नक्काशीदार पत्थर की जाली से प्रेरित है। इसमें संस्कृत का श्लोक विद्या विनियोग द्विकास लिखा हुआ है, जिसका मतलब है विद्या के लेन देन से विकास होता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभय ने। मैं हूँ हर्षदा, देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।